धौलपुर की बात कर लेते हैं। धौलपुर जिला प्रमुख चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से भगवान देवी ने पर्चा अपना दाखिल किया है, पर्चा भरा है। बीजेपी के पवनेश शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। एक निर्दलीय जिला परिषद सदस्य ने नामांकन दाखिल किया है। क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो भगवान देवी की जीत तय मानी जा रही है। तो क्रॉस वोटिंग अगर नहीं होती है तो भगवान देवी की जीत तय मानी जा रही है। और धौलपुर जिला प्रमुख चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से भगवान देवी ने पर्चा भरा है। उधर बीजेपी के पवनेश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। सहयोगी भानु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भानु, देखिए नामांकन तो दोनों पार्टियों की तरफ से दाखिल कर दिया गया है, प्रत्याशियों की तरफ से, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्या है जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल, बात करें धौलपुर जो जिला प्रमुख की जो जिला परिषद की जिला प्रमुख की सीट है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की बिल्कुल तय मानी जा रही है। क्योंकि इससे पहले जो देर रात तक जो कांग्रेस विधायकों में जो गतरोध था, मनमुटाव था, वो कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत के हस्तक्षेप के बाद तीनों ही जो विधायक एक दूसरे से मनमुटाव था वो एक जाजम पर आ चुके हैं। इसके बाद से कहीं ना कहीं बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि जो पूर्ण बहुमत में जो जिला परिषद के सदस्य हैं वो कांग्रेस के पास है, क्योंकि 23 में से 17 जो सदस्य हैं वो कांग्रेस के हैं, महज 6 बीजेपी के सदस्य वो बीजेपी पर रह गए। कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो काफी दूर है, जो बीजेपी उसको पहुंचने में बहुत बड़ी मुश्किल हुई, जिससे क्रॉस वोटिंग की भी कहीं कोई नजर नहीं आता है। बात करें पंचायत समिति की, पंचायत समिति में 6 में से कर्मोत्रा में निर्विरोध निर्दलीय प्रत्याशी हो गया है, उसकी औपचारिकता होना बाकी है। उसमें बात करें बसेड़ी पंचायत समिति की, वहां भी एक कांग्रेसी ने नामांकन दाखिल किया है केवल, जिससे भी वहां कांग्रेस का पैनल बनना लगभग तय हो, औपचारिकता होना बाकी है। बात करें राजा खेला व धौलपुर और बाड़ी में भी कांग्रेस का वो प्रधान बनना लगभग तय है, क्योंकि यहाँ भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है। बात बिल्कुल जी, शुक्रिया भानु तमाम जानकारी के लिए। खबर पर कुल मिलाकर ये कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ही यहाँ पर बोर्ड बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो रेशो है दोनों पार्टी के बीच में वो काफी ज्यादा है। कांग्रेस काफी ज्यादा आगे चल रही है और बीजेपी काफी पीछे है। बढ़ते आगे